आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नज़र डालते हैं अहम खबर पर। मैं सरपंच हल्का पंचायत बफलियाज ए से तलक रखता हूं। जैसा कि मैं यहां की मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतना भी हमारा यहां पे जो है हमारी बात को हर जगह पर पहुंचाते हैं। और मैं साथ में एक चीज़ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि मैं यहां पे इस टाइम 0 पॉइंट मुगल रोड पर खड़ा हूँ, और जैसा कि जो मुगल रोड जो है इसको खोला जा रहा है, हम जनाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुगल रोड बंद की जाए, क्योंकि कश्मीर जो है वो रेड जोन एरिया है और दिन ब दिन वहाँ पे पॉजिटिव केस आते जा रहे हैं। और हमारा इलाका जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, ये अभी तक जो है एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, सेफ है और इंशाल्लाह ग्रीन एरिया है यहाँ पे। तो हम खास करके डीसी साहब से भी अपील करते हैं कि हमारे यहाँ पे सर इस रोड को मत तवज्जा दें खोलने के लिए, नहीं हमें यहाँ की कोई ट्रैफिक की ज़रूरत है चलने की। सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छी तरीके से स्टे होम घर में बैठे हुए हैं, और मार्केट भी बंद है, हम जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे रही है। और हमें ये भी साथ देना चाहिए कि मुगल रोड बंद रहनी चाहिए। हम एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से अपील करते हैं और खास करके डी साहब से कि मुगल रोड बंद की जाए और हमारा इलाका सेफ है और सेफ रहने दीजिए बस। आपकी सदस्य से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, बिलखसूस एल जी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करता हूँ। वक्तन वक्तन हम इससे पहले भी इस मसले को उठाते रहे, मुगल रोड के नज़रिए से हम इसको देखते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट शोपियां के 50 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं कोविड-19 को लेकर, और उसमें हीरपुर एरिया जो है मुगल रोड का जो फर्स्ट टाउनशिप है जो मुगल रोड के बाद दूसरी तरफ, तो वहाँ पे 44-45 केसेस हैं। तो अगर मुगल रोड को फिलहाल बंद ना किया गया, कम्प्लीटली इसको सील ना किया गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ के केसेस जो हैं वो यहाँ पे इन्फेक्शन लेकर आ सकते हैं और हमें इन्फेक्ट करके पूरी सोसाइटी को, हमारे पूरे बफलियासुर को, डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, पूरे खिता पीर पंजाल को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।